दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ टॉप फोर के ऊपर, जिसमें आप अनलिमिटेड जेम्स वो भी फ्री में ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा जेम्स के लिए। तो मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैक्सिमम जेम्स ले सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आप मेरे अकाउंट में देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास 27,737 के करीब जेम्स है। और मैं अभी देखने वाला हूँ कि आज के दिन में मैं कितने जेम्स और यहाँ से इकट्ठे कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ जेम्स की कमी है, यानी कि अगर आपको जेम्स चाहिए, और तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप कोई बड़ा अलायंस ज्वाइन करिए, जिसमें ज़्यादातर बंदे हों और वो थोड़े पेड परचेजेस करते हो। क्योंकि जब भी आप कोई भी इसमें आपका कोई भी फ्रेंड या आपका टीममेट कोई भी इसमें पेड परचेज करता है, यानी कि पेड आइटम लेता है, तो आपको भी एक उसकी तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जो गेम आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप अगर आप करना चाहे तो आप यहाँ पे जाओगे तो अलायंस गिफ्ट में जाओगे, तो यहाँ पे आपको रेयर गिफ्ट के अंदर वो आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, जो कि तभी मिलता है जब आप या आपका कोई फ्रेंड शॉप में जाके कोई परचेज करता है, यानी कि रियल परचेज पैसों मनी के साथ कोई रियल परचेज करता है तो आपको मिलता है। तो इसमें भी आपको कई सारे अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं, जिसमें से आपको जेम्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो उसके लिए मतलब अगर आपको फ्री चाहिए तो आपको कोई भी बड़ा अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मेम्बर हो और वो पेड परचेज करते हो। तो क्या करते हैं, जब भी आप करते हो, तो जैसे कि मैं आप यहाँ पे फर्स्ट 10 गिफ्ट ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें मुझे 65 जेम्स मिल गए, बाकी बहुत सारे और अलग अलग आइटम रिसीव हुए हैं। तो इसी तरह मैं दोबारा से कर देता हूँ, तो 75 इस बार और मिले, यानी कि 65 और 75, तो ये मेरे हो गए लगभग 140। तो मैं एक बार फिर से 10 ओपन करता हूँ, तो मुझे 65 फिर से गेम्स मिले, तो यानी कि मुझे अराउंड 200 के ऊपर जेम्स मुझे यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। तो जो मुझे एक दिन में जो गिफ्ट मिला, जो अलायंस में परचेजेस हुई हैं, उससे मुझे लगभग 200 के करीब मुझे जेम्स मिल गए हैं। तो अगर आप अभी मेरा बैलेंस देखोगे तो 27,957 जेम्स हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स है जिससे आप जेम्स इकट्ठा कर सकते हो। तो जैसे जब भी आपके अलायंस टारगेट्स पूरा करते हैं, तो आपको कुछ इवेंट में भी आपको जेम्स मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे 100 मिले हैं जो ड्रॉइड किल हुआ है, तो उससे तो ये आपके टोटली अलायंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक जेम्स और मतलब एक पैक और मिला, जिसमें मुझे 100 के करीब जेम्स मिले, यानी कि ये भी ड्रॉइड डोनेशन मिला है। तो अगर मैं आप यहाँ पे सारे ऑल रीड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मुझे टोटल मतलब 100 के 2 पैक्स मिले, यानी कि 200 जेम्स में, और 24 यानी कि मुझे 220 जेम्स यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो मुझे अभी ये पैक के थ्रू मिले, यानी कि उसमें मिले, तो उसको आपको यहाँ पे बैग में जाके वहाँ से आपको इसको रिडीम करना होगा। तो जब बैग में जाओगे तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे 100 और के 2 पैक्स मिल गए, तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं रिडीम करता हूँ, तो मुझे 200 जेम्स मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा टोटल बैलेंस है वो 28,177 हो गया। तो इसके अलावा और भी कुछ, जैसे आप अगर रेगुलर यहाँ पे यदि आर्म रेस के टास्क को कंप्लीट करते हो, जो आपको रेगुलरली मिलता है, तो उसमें आपको रेगुलर लगभग सेम प्राइस सेम जो रिवॉर्ड्स है वो मिलते हैं। तो अगर आप इसको टोटल देखेंगे तो 160 जेम्स आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको क्लेम कर लेता हूँ, तो ये मैंने क्लेम कर लिया। तो अभी आप देखेंगे तो मेरा जो टोटल बैलेंस है वो 28,337 हो गया। तो मैं यहाँ से आप अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 500 से ज़्यादा जेम्स है वो मैं यहाँ पे फ्री में रिडीम कर चुका हूँ, यानी कि फ्री में ले चुका हूँ, जिसके लिए मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अगर ये चीज़ आपको अगर शॉप में जाके आप देखते हैं, अगर जेम्स ला के देखते हो, तो जो पैकेज है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर मैं अपने जेम्स की वैल्यू अगर लगाना चाहूँ, तो लगभग मुझे जो इसका मैक्सिमम पैकेज इसमें 6,480 जेम्स दे रहा है, ये मुझे कम से कम 4 से 3 से 4 बार खरीदने पड़ेंगे।
ये मेरा जो पैसा है वो बच गया। तो अभी मेरे अकाउंट में 20,000 के ऊपर जेम्स है। तो इस तरीके के इसमें कुछ रिवॉर्ड्स है जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो और जेम्स आप वहाँ से रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा जो आप रेगुलर जो टास्क है यहाँ पे क्वेस्ट रिवॉर्ड है, आप इनको कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो बॉक्स है, तो अगर आप जब फर्स्ट टास्क पूरा करते हो तो आपको इसमें 5 जेम्स मिल जाते हो, और जब तो आप ये तीसरे वाले बॉक्स तक पहुँचते हो तो 20 जेम्स आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो ये सब आपको टास्क आप पूरा करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों रेगुलरली अराउंड 600 जेम्स आपको रिसीव कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको लगभग फ्री मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।